नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको LIC क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके मतलब की जानकारी दी जाएगी, जैसे कि LIC क्रेडिट कार्ड के लिए कहाँ अप्लाई करना होता है, LIC क्रेडिट कार्ड किसे मिल सकता है, LIC क्रेडिट कार्ड के प्रकार, कार्ड के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कार्ड के फीचर्स, रिवार्ड पॉइंट और उसकी वैल्यू, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका और बिना किसी इनकम प्रूफ के LIC क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है इत्यादि। दोस्तों, वीडियो में आगे LIC क्रेडिट कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को काफी सरल भाषा में समझाया गया है, ताकि वीडियो खत्म होते होते LIC क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपके सारे डाउट्स भी स्वतः ही खत्म हो जाएं और आपको इस विषय पर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। LIC और उसकी पॉलिसीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां किसी के पास LIC की कोई पॉलिसी ना हो। अपने लोकप्रिय जीवन बीमा उत्पादों के साथ ही LIC क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देती है, जैसे कि LIC स्वयं कोई बैंक नहीं है और LIC का अकाउंट एक्सिस बैंक में है, इसलिए LIC के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने का कार्य एक्सिस बैंक द्वारा किया जाता है। LIC का क्रेडिट कार्ड उसके पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट्स और एम्प्लॉयज के लिए होता है, अर्थात इसके अलावा किसी अन्य को यह कार्ड नहीं दिया जाता। LIC क्रेडिट कार्ड अपने अच्छे फीचर्स के कारण काफी पसंद किया जाता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए आपको इसकी वेबसाइट www.licards.co.in पर विजिट करना होता है और वहां अप्लाई नाउ ऑप्शन पर जाकर आप मांगी गई डिटेल्स फिल कर अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन की बात की जाए तो आप अपने नजदीकी LIC ब्रांच में जाकर LIC क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LIC की वेबसाइट में चार तरह के कार्ड्स की जानकारी दी गई है, परंतु जब आप LIC ब्रांच में कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वर्तमान में दो तरह के कार्ड का विकल्प मिलेगा, सिग्नेचर कार्ड और प्लेटिनम कार्ड। कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन के स्टेटस को कस्टमर केयर नंबर 1800-419-0064 पर कॉल कर पता कर सकते हैं। इस प्रकार LIC एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अलग अलग फीचर्स और लिमिट के साथ वर्तमान में दो प्रकार के कार्ड दे रही है। अब जान लेते हैं LIC का क्रेडिट कार्ड किसे और किस आधार पर मिलता है। वैसे तो LIC का क्रेडिट कार्ड सभी LIC पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट्स और LIC स्टाफ के लिए होता है और यह दो आधार पर मिलता है। पहला बिना किसी इनकम प्रूफ के, LIC पॉलिसी के आधार पर, और दूसरा सिर्फ इनकम प्रूफ के आधार पर। बिना किसी इनकम प्रूफ के LIC पॉलिसी से क्रेडिट कार्ड उसे मिलता है जिसकी रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी का 3 वर्ष का प्रीमियम पेड हो और खुद का और नाबालिग बच्चों की पॉलिसी का कुल ईयरली प्रीमियम कम से कम 30,000 या इससे अधिक हो। जैसे कि LIC का क्रेडिट कार्ड दो प्रकार का होता है और पॉलिसी होल्डर को कौन सा कार्ड मिलेगा यह उसके सालाना LIC प्रीमियम पर निर्भर करता है। 30,000 या उससे अधिक पर 50,000 से कम सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी पर प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और यदि पॉलिसी का कुल सालाना प्रीमियम 50,000 या इससे ज्यादा हो तो सिग्नेचर कार्ड दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि LIC प्रीमियम के आधार पर मिलने वाले इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए सिर्फ पॉलिसी संबंधित डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार और पैन कार्ड की कॉपी ही देनी होती है, अर्थात किसी प्रकार के इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। अब जान लेते हैं कि LIC क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इनकम प्रूफ की जरूरत किसे और कब पड़ती है। यदि आपकी LIC पॉलिसी पर अभी 3 वर्ष का प्रीमियम पे नहीं किया गया हो या पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 30,000 से कम हो तो आपको LIC का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इनकम प्रूफ के तौर पर बाकी डॉक्यूमेंट्स के अलावा लेटेस्ट ITR या फॉर्म 16 या लास्ट मंथ सैलरी स्लिप में से कोई एक चीज देनी होती है। प्लेटिनम कार्ड के लिए सैलरीड पर्सन की नेट सैलरी 35,000 पर मंथ अर्थात 4,20,000 सालाना होनी चाहिए और यदि पॉलिसी होल्डर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी नेट सैलरी 50,000 मासिक अर्थात 6,00,000 रुपए सालाना होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर सिग्नेचर कार्ड की बात की जाए तो इसे लेने के लिए सैलरीड पर्सन की नेट सैलरी 75,000 रुपए मासिक अर्थात 9,00,000 सालाना और सेल्फ एम्प्लॉयड की नेट सैलरी 1,00,000 मासिक अर्थात 12,00,000 रुपए सालाना होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो पाती है अर्थात पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी भी 30,000 से कम की होती है और उसकी सैलरी भी 35,000 से कम होती है तो फिर इस स्थिति में उसे किसी प्रकार का कोई कार्ड नहीं दिया जाएगा। यदि LIC एजेंट या LIC एम्प्लॉयज की बात की जाए तो वो भी इसी प्रकार अपनी पॉलिसी या इनकम के आधार पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जीवन शिरोमणि पॉलिसी होल्डर को 6,00,000 या इससे अधिक की पॉलिसी पर बिना इनकम प्रूफ सिग्नेचर कार्ड दे दिया जाता है। अब जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली लिमिट के बारे में। LIC क्रेडिट कार्ड की लिमिट LIC पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू और पॉलिसी होल्डर की इनकम पर निर्भर करती है। अब जान लेते हैं LIC क्रेडिट कार्ड के कॉमन फीचर्स के बारे में। कार्ड से 100 रुपए की पेमेंट करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है
और LIC प्रीमियम का भुगतान करने पर डबल रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। LIC क्रेडिट कार्ड का एक फायदा यह भी है कि कार्ड से LIC प्रीमियम का भुगतान करने पर समय से प्रीमियम का भुगतान भी हो जाता है और रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा भी मिलता है। LIC क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर मिले रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल आप अपने कार्ड के बकाया बिल भुगतान के लिए भी कर सकते हैं। LIC क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज या एनुअल फीस नहीं लगती, अर्थात यह कार्ड लाइफ टाइम फ्री होता है। इसकी यही खूबी इसे अन्य कार्डों से बेहतर बनाती है। LIC प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के साथ फैमिली मेंबर्स के इस्तेमाल के लिए 3 एड ऑन कार्ड मिलते हैं और ये कार्ड भी बिल्कुल फ्री होते हैं। इसके अलावा कार्ड के साथ इंश्योरेंस कवर और परचेज प्रोटेक्शन कवर जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यदि आप 2,500 से ज्यादा की चीज खरीदते हैं तो इसे EMI में बदलवाकर पे कर सकते हैं, जिस पर 1.5% मंथली इंटरेस्ट लगता है। फ्यूल ट्रांजेक्शन पर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर की सुविधा भी मिलती है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 10% कैश लिमिट भी मिलती है। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू के बारे में। 100 रुपये की पेमेंट पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और सिग्नेचर कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये होती है। प्लेटिनम कार्ड की बात की जाए तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 75 पैसे होती है। यदि क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो कार्ड लिमिट तक कॉम्प्लीमेंट्री लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर भी मिलता है। दूसरे क्रेडिट कार्ड से बकाया बैलेंस को LIC क्रेडिट कार्ड को ट्रांसफर किया जा सकता है, जिस पर 3 महीने तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। क्रेडिट कार्ड के द्वारा LIC प्रीमियम भुगतान करने पर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड 75 दिन का होता है। क्रेडिट कार्ड से किए गए अन्य भुगतान के लिए इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड कम से कम 20 दिन और अधिकतम 50 दिन का होता है। LIC सिग्नेचर कार्ड पर 5 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है और दूसरी तरफ प्लेटिनम कार्ड पर यह इंश्योरेंस 3 लाख का होता है। क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट हर महीने की 22 तारीख होती है और पेमेंट डेट 11 तारीख होती है। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझा जाए तो यदि 21 जनवरी को क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट की जाए तो 22 जनवरी को उसका बिल बनेगा और 11 फरवरी को पेमेंट डेट होगी। इस प्रकार यहाँ पेमेंट करने के बाद इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड 20 दिन का होगा और यदि कार्ड से पेमेंट 23 जनवरी को की जाए तो उसका बिल 22 फरवरी को बनेगा और पेमेंट 11 मार्च को करनी होगी। इस प्रकार यहाँ फ्री क्रेडिट पीरियड लगभग 50 दिन के आसपास मिलेगा, इसलिए कार्ड का यूज हमेशा 22 तारीख के बाद ही करना चाहिए ताकि ज्यादा दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप LIC के एम्प्लॉयज, पॉलिसी होल्डर या एजेंट हैं तो इस फ्री क्रेडिट कार्ड का जरूर लाभ उठाएं और अपने अगले LIC प्रीमियम का भुगतान इस कार्ड से कर रिवॉर्ड पॉइंट और इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट डेज का लाभ उठाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के और भी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।